वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। मैं अमित आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया है, हिस्ट्री का जो चैप्टर है, उसको ईजिली, बहुत ईजिली कैसे समझा जा सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस हम देखेंगे कि उनको अगर हम करेंगे तो हम बड़े क्वेश्चंस को उनसे कैसे रिलेट कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे छोटे क्वेश्चंस को लिया है, उनसे रिलेट करके आप बड़े क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दिस इज द पार्ट वन, पूरे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड नहीं हुए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेगार? बेगार क्या होता है? बेगार एक तरीके की हमारी लेबर होती है, जैसे हम किसी लेबर से काम करा रहे हैं और उस लेबर को हम कोई पेमेंट ना दें, काम भी कराए और पेमेंट भी ना दें, ऐसी टाइप की जो लेबर होती है उनको बेगार बोला जाता था। और इसमें क्या होता था कि जो कॉलोनियलिज्म था, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स जो थे वो कब्जा किए हुए थे, तो उस टाइम पे वो लोग और हमारे जो तुलकदार थे, जमींदार थे, वो क्या करते थे, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के उनसे काम कराते थे, उनको पेमेंट भी नहीं देते थे, कई बार खाने पे पूरे दिन वो क्या करते थे, आते थे, काम करते थे, उनको खाना मिल जाता था और वो काम करके चले जाते थे, और कई बार ही तो वो खाना भी नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ नॉवेल आनंदमठ। आनंदमठ जो था वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस था दैट सेव्ड इंडियन नेशनलिज्म। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी नेशनलिज्म की। तो उसमें क्या हुआ था कि जो उसके खर्चे हैं वर्ल्ड वॉर वन के, जो ब्रिटिशर्स जो था उसमें इन्वॉल्व होने वाले थे, तो वो पैसा इकट्ठा कैसे किया इंडिया के अंदर से, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इंक्रीज टैक्सेस, उन्होंने टैक्स इंक्रीज किए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी और उस टाइम इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए, तो जो लोग इनकम कमा रहे थे उनसे भी टैक्स लेना स्टार्ट किया। तो लाइक दिस उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से वर्ल्ड वॉर वन में उनको हेल्प मिली। सो वी कैन से दैट दिस फैक्टर फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। हाउएवर पीपल इन रूरल एरियाज एंग्री विद ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स से वो लोग गुस्सा क्यों थे जो रूरल एरियाज में थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर वन आया तो उन लोगों ने जाके गांव गांव में से जो भी लोग थे, जो लड़के थे, जो जवान हो चुके थे, उनको पकड़ना स्टार्ट किया और फोर्स रिक्रूटमेंट किया अपनी आर्मी के अंदर, ताकि उनको बड़ी से बड़ी फोर्स मिल सके और वो भी सबसे बेस्ट जो लोग होते थे उनको, ताकि उनको बेस्ट आर्मी तैयार करने में हेल्प मिले। उसी टाइम पर जो हमारी क्रॉप थी वो फेल हो गई, उसके दो रीज़न थे, ड्रॉट एंड सेकंड इज, जब हमारे पास जो काम करने वाले हैं वही फोर्स रिक्रूटमेंट होके चले गए, तो काम को देखने वाला ज़्यादा कोई बचा नहीं है। एट दैट सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आल्सो अफेक्टेड। सो इन सारे रीजन की वजह से जो रूरल एरियाज के लोग थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत गुस्सा थे। When did Mahatma Gandhi return to India? And from where he returned to India? This also comes along with this question. सो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में आए थे और वो अफ्रीका से आए थे, साउथ अफ्रीका। वॉट वॉज चंपारण मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट क्या था? दिस वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट वो होते हैं जो आसानी से, या फिर हम कहें कि जो हम लोग शांति से प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ाई नहीं करते, वॉयलेंस नहीं करते हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो इट वॉज सत्याग्रही मूवमेंट, फर्स्ट सत्याग्रही मूवमेंट, जो कि 1960 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण गए थे और वहाँ जो इंडिगो प्लांटर्स थे, इंडिगो प्लांटर्स मतलब जो नील की खेती होती थी, उसमें ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ते थे और वहाँ पर उनको बंदी बना के रखते थे, उनसे काम कराते थे, तो उसको ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम कहते थे। उसके खिलाफ उन्होंने बोला कि इसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत उससे, मतलब शांति से। तो सत्याग्रही मूवमेंट था, इट वॉज सत्याग्रही मूवमेंट, जिसकी जिससे हम ट्रूथ, जो सच्चाई होती है, उसको साथ लेके चलते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। What is meant by सत्याग्रह? जो अभी हमने डिस्कस किया, इट emphasizes द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ।
सो इसमें हम वॉयलेंस को इंक्लूड नहीं करते हैं, शांति से अपनी बात को रखते हैं और दूसरों को मजबूर करते हैं अपने आप को दिखा के कि हम इस चीज़ के खिलाफ है और हम लड़ते भी नहीं है और उस चीज़ को पा लेते हैं। Why did Kheda farmers protest against Britishers? So what happened? जब क्रॉप फेलियर हो जाता है, मतलब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि क्रॉप फेलियर हो गया दो तीन रीजन की वजह से जो अभी हमने डिस्कस किया था, और प्लेग एपिडेमिक हुआ। एपिडेमिक वो होता है जो बहुत फास्ट कोई भी चीज़ अफेक्ट करती है, कोई भी हमारी बीमारी वगैरह होती है जो बहुत तेज़ी से अफेक्ट करके एकदम से फैल जाती है, उसको एपिडेमिक कहते हैं। तो प्लेग ऐसे ही फैला उस एपिडेमिक की वजह से और क्रॉप फेलियर की वजह से। जो खेड़ा के लोग थे वो अब उनके पास पैसा नहीं था, तो वो अपना जो रेवेन्यू था, टैक्स था, वो पे नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये डिमांड रखी कि भाई हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्स हमने पे करना है इस बारी का, वो हमारा रिलीज्ड कर दिया जाए, मतलब हमें वो ना पे करना पड़े, क्योंकि इस बार उनकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गई, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो रेवेन्यू कहाँ से पे किया जाता। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वो लोग उसको रिवील करना नहीं चाहते थे। वॉट वॉज रोवलाट एक्ट ऑफ 1919? रोवलाट एक्ट क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑफिशियल्स को रिप्रेस पावर दी, मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स दी, एनॉर्मस पावर्स। क्या किया कि उसमें उन्होंने उन पावर्स के तहत जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी इंडिया के अंदर, तो उनमें से जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें से किसी को भी पकड़ सकते थे, उस पर विदाउट एनी ट्रायल उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। तो ये था रोवलाट एक्ट ऑफ 1919। What was महात्मा गांधी's reaction on रोवलाट एक्ट? ये एक रोवलाट एक्ट को अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या था कि हम अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो भी नहीं चला सकते, क्योंकि जो भी नेता, जो भी आपका पॉलिटिकल लीडर होता, वो जब भी प्रोटेस्ट करने के लिए जाता तो वो उठा के उसको जेल में डाल देते 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल, उसमें कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। तो इस पे महात्मा गांधी जो थे वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने सोचा कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे इसके अगेंस्ट, जो कि स्टार्ट हुआ एक हड़ताल से, जो कि 6 अप्रैल को उन्होंने स्टार्ट किया। हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू रोवलाट एक्ट? जो पीपल थे उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए क्या किया कि रैलीज ऑर्गेनाइज की अलग अलग सिटीज में, और जो लोग जहां काम कर रहे थे उसको दिखाने के लिए कि ये हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है, हम लोगों के भरोसे ही आप लोग काम कर रहे हैं, तो वो स्ट्राइक पे चले गए। रेलवे वर्कशॉप्स में शॉप्स जो थी वो बंद हो गई, और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि कहीं लोग ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए और उनके खिलाफ ना हो जाए, तो उन्होंने नेशनलिस्ट को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। उससे क्या होगा कि जब नेशनलिस्ट को अरेस्ट करेंगे तो दे कांट इन्फ्लुएंस द अदर पीपल, जो बचेगा ही नहीं कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो उन्होंने इसलिए उनको अरेस्ट करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन अमृतसर? मार्शल लॉ में होता है कि वो उनको पूरी पावर्स होती हैं, किसी पे भी फायर ओपन कर सकते हैं और किसी को भी उठा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, पीट सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर से लोकल लीडर्स को पकड़ लिया गया था, और जब उनके खिलाफ महात्मा गांधी दिल्ली आना चाहते थे उस चीज़ के खिलाफ, तो उनको भी दिल्ली आने पर बैन कर दिया गया। इस वजह से 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर की, उन्होंने क्या किया कि जो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया, जिससे क्या हुआ कि लोगों में बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बैंक, पोस्ट ऑफिस और जितने भी ऑफिशियल चीज़ें थी, जगह थी, ऑफिस थे, उन्हें तोड़फोड़ करना स्टार्ट किया। तो इसलिए उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज किया, ताकि लोगों में एक डर बन जाए। व्हाई डिड जनरल डायर फायर्ड ऑन इनोसेंट पीपल गैदर्ड पीसफुली इन जलियांवाला बाग? ये इस क्वेश्चन में क्या है, जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने फायर क्यों किया, जबकि उन लोगों को आधों को पता भी नहीं था कि हाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो वो अपनी बैसाखी के मेले के लिए आए थे, तो मार्शल लॉ जब इम्पोज हुआ तो उनको नहीं पता था। तो इस पर जनरल डायर ने कहा था कि मैं लोगों में डर पैदा करना चाहता था,
ताकि आगे वो ऐसे प्रोटेस्ट करने की हिम्मत ना कर सके। तो इसका आंसर होगा टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ टेरर इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज। व्हाई डिड ब्रिटिश डू टू रिप्रेस द रोवलेट सत्याग्रहीज? तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सत्याग्रहीज को पकड़ा और उनको कहा कि नाक रगड़ो, उनके नाक रगड़वाए और उनको घुटनों के बल चलाया और जितने साहब थे, जितने मतलब उनके ऑफिशियल्स थे, उनको सबको उनको सलाम करने के लिए बोला गया। Why did महात्मा गांधी join खिलाफत इश्यू? Actually में महात्मा गांधी चाहते थे कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जाए। नॉन कॉरपोरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्चुअली में कोई भी मूवमेंट है तो वो अपना पूरे नेशन के अंदर एक साथ होना चाहिए, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल कि जब तक हिंदू एंड मुस्लिम्स एक साथ ना आए कि वो पॉसिबल हो पाए। तो महात्मा गांधी केम टू नो दैट अ बिग मूवमेंट कुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। तो इसको करने के लिए अब खिलाफत इशू से जुड़े हुए थे मुस्लिम्स और जो हमारा सत्याग्रही मूवमेंट था उससे जुड़े हुए थे हिंदूज। तो उन्होंने सोचा कि अगर दोनों मूवमेंट को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो हिंदूज एंड मुस्लिम ऑटोमेटिकली एक साथ एक मोटिव के साथ कि हमें ब्रिटिशर्स को अपोज करना है तो वो सब एक साथ आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने खिलाफत इश्यू को ज्वाइन किया। हु वर द टू मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे वो मेन लीडर्स थे, उन्होंने उसको स्टार्ट किया और ये दोनों भाई थे। व्हाट रेजोल्यूशन वॉज पास्ड एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सेप्टेम्बर 1920? तो जो गांधी जी थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टडी किया, उन्होंने देखा खिलाफत मूवमेंट से हमें मुस्लिम्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे अगर हम उनको बोलें कि खिलाफत मूवमेंट के हम सपोर्टर हैं। उस चीज़ से जब वो कन्विंस हुए तो उन्होंने बाकी सारे लीडर्स को कन्विंस करने की सोची कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे और वो स्वराज का सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने बाकी लीडर्स को कन्विंस किया था। दिस वॉज द साइन कि उन लोगों को कन्विंस करके सबको एग्री कराना था कि चलिए हम लोग इसको साथ में करते हैं। नेम द फेमस बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। सो हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, इट वॉज अ वेरी फेमस बुक। Why many Congress leaders were reluctant to boycott council elections? उनको ऐसा लगता था कि council elections भी हमने अगर boycott कर दिया तो लोगों को लगेगा कि अब हम किसी भी चीज़ में ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे और वो उसको एक बड़े लेवल पे सोचेंगे कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, सब हम उनके खिलाफ जाना चाहते हैं। तो एक वॉयलेंस होने के चांसेस थे कि उनको लगता था कि कहीं वॉयलेंस ना हो जाए, बहुत बड़े लेवल पे दंगा ना हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े लेवल पे एक मूवमेंट ना बन जाए नॉन वॉयलेंस के लिए। What decision were made in Congress session at Nagpur in December 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को हम एडॉप्ट करेंगे और उस पर वर्क करेंगे, सब लोग मिलकर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे। Why were council elections not boycotted in Madras? देखिए मद्रास में जो पार्टी थी वो थी आपकी जस्टिस पार्टी, और जस्टिस पार्टी जो थी वो नॉन ब्राह्मण्स लोगों की थी, और नॉन ब्राह्मण्स लोगों को ऐसा लगता था कि एक ये ऐसा रास्ता होगा जिसमें ब्राह्मण्स को सक्सेसफुल नहीं है, ब्राह्मण्स तो पीछे हट जाएंगे और हम लोग काउंसिल इलेक्शंस में कुछ पावर ले पाएंगे जिससे कि हम ब्राह्मणों की बराबरी कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मण्स को ज़्यादा वो ज़्यादा पावर में भी थे और उनकी ज़्यादा चलती भी थी, उनके बनाए गए नियम ही फॉलो होते थे। What was the impact of reduction of import? Import के reduction होने से क्या होता है कि सब लोग जो इंडिया के थे वो इंडिया में बनी हुई खादी के कपड़े से, जो कपड़ा बनता था खादी से, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम्स था उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो सेल है, वो बहुत बढ़ जाता है और ये इंडस्ट्री हमारी राइज करना स्टार्ट कर देती है। हाउ डिड द बिजनेस क्लास रिलेट टू सी डी एम? इट इज रिएक्ट,
नॉट रिलेट, हाउ डिड बिजनेस क्लास रिएक्ट टू द CDM, CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने क्या किया कि जो फॉरेन गुड्स हैं वो चाहते थे कि उसकी बिक्री यहाँ होना बंद हो जाए, अपने यहाँ का जो मतलब प्रोडक्शन किया हुआ कपड़ा है वो ज़्यादा सेल हो, दे वॉन्ट स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो। तो उससे क्या होगा कि इम्पोर्ट डिस्क्रीट हो जाएगा और कॉलोनियल पॉलिसीज जो हैं उनके खिलाफ रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो रेस्ट्रिक्ट करती थी। तो इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया एक तरीके से ब्रिटिशर्स को अपोज करके। व्हाट वाज पूना पैक्ट? पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट जो था वो साइन हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच में। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने बोला था कि जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको भी ऐसा होना चाहिए कि कल आने वाले टाइम में उनको भी अपना एक मतलब स्टैंड मिले, एक प्लेस हो कि वो भी खड़े हो सके, उनको भी कोई हक मिले। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मांग की कि जो प्रोविजनल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें डिप्रेस क्लास के लोगों को कुछ रिजर्व सीट्स मिले। तो इसी को फाइनलाइज करते हुए इन दोनों के बीच में ये पैक्ट तैयार हुआ था। एंड वेन वॉज पूना पैक्ट साइंड? जो पूना पैक्ट साइन था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में वो 1932 में साइंड हुआ था। अब इन सारे क्वेश्चंस को जब मेकअप होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाए, तो सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स जब हमें पता है तो अब उन बातों को रिलेट करके एक दूसरे से हम बड़े क्वेश्चंस को बना सकते हैं, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। बाकी सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में बड़े क्वेश्चंस को इनसे रिलेट करके एक साथ बनाते कैसे है, कैसे उनको पॉइंट्स में लिखा जाता है और कैसे वो अटेम्प्ट किए जाते हैं एग्जाम्स में, जिससे कि हमें कम लिखना होता है और मार्क्स फुल मिलता है, वो डिस्कस करेंगे 3rd वीडियो में। तो टोटल 3 वीडियोज में इसको हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लेंगे इसका पार्ट 2, बाकी सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।